राजधानी दिल्ली में रविवार को पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच दंगल का दौर देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में ले लिया। इस घटना ने काफी तूल पकड़ा हुआ है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिस पर काफी बवाल मचा हुआ है। दरअसल वायरल तस्वीर में फोगाट बहनें विनेश और संगीता दोनों पुलिस की वैन में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों तस्वीर में मुस्कुराती नजर आ रही हैं। तस्वीर में कुछ पुलिसकर्मी भी पीछे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों की ओर से तस्वीर शेयर की गई और दावा किया गया कि हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों बहनें हंस रही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि तस्वीरें फेक हैं। दरअसल पहलवान बजरंग पुनिया ने वायरल तस्वीरों को फेक बताते हुए एक दूसरी तस्वीर शेयर की है जो वायरल तस्वीर की तरह ही है। बस फर्क इतना है कि दूसरी तस्वीर में पहलवान बैठे हुए हैं लेकिन कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा है। पुनिया ने अपने फोटो के कैप्शन में लिखा, IT सेल वाले ये झूठी तस्वीर फैला रहे हैं। हम ये साफ कर देते हैं कि जो भी ये वायरल तस्वीर पोस्ट करेगा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने भी BJP पर हमला बोला है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये ओरिजिनल फोटो है और जो आपके साथ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री ने शेयर की है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के माध्यम से बनाई गई है। अब देखना यह है कि आप अपनी झूठी फोटो वाला ट्वीट डिलीट करेंगे या जो दो रुपल्ली के ट्रॉल आप बन चुके हैं उसका एक नया प्रमाण छोड़ देंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि फोगाट बहनों की कथित हंसते हुए जो तस्वीरें वायरल हैं वो AI से बनाई गई हैं। बता दें कि धरने पर बैठे पहलवानों ने रविवार को नए संसद भवन के सामने महापंचायत का ऐलान किया था लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद पहलवानों ने नई संसद तक जाने के लिए बैरिकेड्स भी तोड़ दिए जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है।